क्या आ गया हमारे पास जीरो से जीरो आउट हो गया। ये ये तो कितना आ गया हमारे पास आ गया ठीक है तो हमें अगर एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हमें क्या गिवन है देखो हमें गिवन है कि प्रॉफिट जो हो रहा है उसे वो हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज तो जब प्रॉफिट हंड्रेड रुपीज का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मानना हुआ है तो एक्स प्लस हंड्रेड

तो यहां से हम कह सकते हैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू नाइन एक्स या फिर कहें वाई इज इक्वल टू नाइन एक्स डिवाइड बाई फिफ्टी थ्री से काट देंगे देखो थ्री टाइम्स ये फाइव टाइम्स तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से थ्री एक्स बाई फाइव आ गई y की वैल्यू ठीक है और एक चीज और कह सकते हैं मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है तो थ्री वाई माइनस वाई मतलब कि 2Y, ये किसके बराबर होगा ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस अगर यहां पर हम वैल्यू टू वाई पुट कर दें क्योंकि थ्री वाई माइनस वाई होगा यहाँ से तो टू इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस हंड्रेड आ जाएगा और वाई की वैल्यू हम थ्री एक्स बाई हंड्रेड पुट कर देंगे तो टू इंटू थ्री एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस हंड्रेड तो यहां से देखो एक इक्वेशन बची एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो नाइन इंटू जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगा हमारा मार्क प्राइस होगा तो दोनों की हेल्प से हम आंसर निकाल सकते हैं तो देखो ऑप्शन थर्ड हम में हमें कहा गया बोथ द स्टेटमेंट टेकन टूगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन ठीक है हमें दोनों की नीड हुई बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन देखो अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन पर कोई भी स्टेटमेंट इनमें से अकेला आंसर नहीं दे सकता तो ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर